नगर के विभिन्न तहसील ब्लॉकों में प्लान इंडिया संस्था द्वारा वर्कर बैंक के सहयोग से गरीब असहाय परिवारों में राशन सही स्वास्थ्य और स्वच्छता किट का वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत जिले में 1834 जरूरतमंद परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायत कर्मचारियों के सहयोग से चयन सूची तैयार कर वितरण किया जा रहा है। प्लान इंडिया के DRP उत्पल दुबे ने बताया, अब तक जिले में 1600 परिवारों से अधिकांश लोगों में किट का वितरण किया जा चुका है, जिसके क्रम में नौगढ़ तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर में सैकड़ों नगरपालिका के वार्ड में चयन सूची के तहत वितरण किया गया। किट में राशन, चीनी, चाय पत्ती, बिस्किट, खाने का तेल, दाल, हैंड वॉश, माचिस, ग्लव्स, फिनाइल, साबुन, नमक इत्यादि को दिया गया है और साथ ही किशोरियों और महिलाओं की महावारी के दौरान उपयोगी आवश्यकता हेतु सैनिटरी पैड को दिया गया है। जिला प्रशासन और प्लान इंडिया ने वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। सर, किस संस्था द्वारा ये वितरण कराया जा रहा है, संस्था का उद्देश्य क्या है? जी, ये प्लान इंडिया और GNK के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, प्लान इंडिया संस्था के द्वारा जिले में, क्योंकि हमारा जिला एस्पिरेशनल जिला है और प्लान इंडिया यहाँ पे नोडल NGO है जी। तो उसके तहत गरीब असहायों की सहायता के लिए है ना, इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें आपको ये सारे सामान मिनी के अनुसार दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको गेहूँ, चावल, अरहर दाल, तेल, नमक, चीनी, बिस्किट, चाय पत्ती, माचिस, साबुन, हैंड सैनिटाइजर है ना, फिनाइल, सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए महावारी में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि दुकानें वगैरह बंद थी। इसके पहले भी जिले में प्लान इंडिया संस्था के द्वारा 2000 PPE किट, 80,000 3-layer मास्क संस्था के द्वारा जिले को दिया गया है और इसके पहले भी 1000 ड्राई राशन किट हमने इस जिले में डिस्ट्रीब्यूट किया। सर, किन लोगों को वितरण किया गया है और किस योजना अंतर्गत हो रहा है? जी, ये गरीब और सहाय परिवारों को दिया जा रहा है। तहसील से हमें सूची मिलती है, उसी के आधार पर इसका टोकन बनाकर हम इसे वितरित करते हैं। तो सर, ये तहसील वाइज अन्य तहसीलों में भी कि ओनली नौगढ़ को ही चयन किया गया? टोटल 14 के 14 ब्लॉक हमने कवर करने की कोशिश की है और टोटल 14 ब्लॉक से हमें सूची प्राप्त हुई है, उन सारे पांचों तहसीलों में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नौगढ़ तहसील में सर कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? नौगढ़ तहसील में आज 215 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार 215 लोगों को आज वितरित किया जाएगा, जो यहाँ पे टोकन के साथ उपस्थित हो जाएंगे। ओके, थैंक्स। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है और कौन सी संस्था इसको वितरण करा रही है और प्रशासन की क्या भूमिका है? प्लान इंडिया द्वारा ये सामान वितरित कराया जा रहा है। प्रशासन की भूमिका मुख्य रूप से ये है कि आप प्लान इंडिया के लोग, हम प्रशासन तहसील के लोगों से संपर्क स्थापित किए कि आप क्षेत्रवाइज जो गरीब हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड रहते हुए भी परिवार अधिक है तो उन लोगों को राशन किट देना चाहते हैं। इसके लिए हमारे तहसील नौगढ़ में उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार सभी लेखपालों ने अपने अपने क्षेत्र से चिन्हित करके ऐसे परिवारों को, एक गांव से 2-4-5 ऐसे परिवारों को चिन्हित करके हम लोग सूची दिए और उसी सूची के अनुसार आप लोग प्लान इंडिया द्वारा इसको वितरित किया जा रहा है। ये नगर पालिका में सूची बनाता कौन है? नगर पालिका में जो सूची बनाई गई है वो जो संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनके द्वारा सूची बनाई गई है। सभासद की भूमिका क्या होती है? सभासद की भूमिका यही रहती है कि सभासद से लोग पूछ लेते हैं कि भाई वो चूंकि वहाँ का जनप्रतिनिधि है और लोगों के बीच में उसको ज्यादा जानकारी रहती है तो उससे जानकारी हासिल कर लेते हैं और केवल सभासद से नहीं बाकी जितने भी गणमान्य व्यक्ति उस सर्किल में रहते हैं। जैसे कि लग रहा है कि जो पात्र है उसको नहीं मिल पा रहा, अपात्रों को जारी सूची? नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्तियों को ही छाटा गया है और अगर ऐसे अपात्र हैं या जो पात्र छूट गए हैं उनकी सूची पुनः बना के उनको दे दी।